कभी कभी रिश्ते सिर्फ बोझ हो जाते हैं मैं फिर कहूं मैं बहुत जिम्मेदारी से ये बात कह रही जहां देन लेन और स्वार्थ ज्यादा जोर देता है बाकी कुछ चीजें मायने नहीं रखती और लोभ ऐसी चीज है कि आप कभी किसी के लोभ की पूर्ति नहीं कर सकोगे क्योंकि उनकी लिस्ट कभी ना खत्म होने वाली होती इंसान जरूरत को पूरी कर सकता है बिल्कुल करना भी चाहिए बिल्कुल करना चाहिए पर जहां लालच आ जाता है ना उस लालच के आगे तो तुम अपनी हड्डियां भी बेच दो तो भी वो कहेंगे पहले क्यों नहीं बेची थी मनुष्य बहुत स्वार्थी मन का अधिकतर होता है और ये भी कहीं ना कहीं हमारे अपने ही कर्मों का लेखा जोखा ऐसा होता है कि हमें ऐसा परिवार मिल जाता है जो आपके लिए तकलीफ ही देगा और तो कुछ दे नहीं सकता अज्ञान से भरा हुआ मन लोभी क्रोधी द्वेषी स्वार्थी ऐसा ही तो होता है अब प्रश्न ये है कि आप उस कभी ना भरने भरने वाले घड़े को आप भरते रहना चाहते हो या आप अपने विवेक से एक दीवार एक खड़ी कर देते हो कि इससे अधिक मैं नहीं कर सकता ये विवेक तो हर व्यक्ति को खुद ही लेना पड़ता है इसलिए इसके विषय में किसी और से पूछना भी थोड़ा उचित नहीं है और फिर जो बताने वाला बताएगा वो आपसे हो भी नहीं पाएगा तो बहुत संक्षिप्त में ये बात कह रही हूं कि अपने विवेक से काम करना चाहिए जरूरत के लिए काम करना और परिवार की जरूरत को पूरा करने के लिए काम करना बहुत अच्छी बात है पर जहां वो जरूरत ना हो के लालच हो जाए जहां वो जरूरत ना हो के हमेशा की एक लंबी लिस्ट अपेक्षाओं एक की एक्सपेक्टेशंस की रह जाए तो ये याद रहे कि बस कुछ भी कर लो मर लो वो कहेंगे काफी नहीं है तो अब काफी नहीं है ये स्टेटमेंट सुनना चाहते हैं तो करते रहो जो कर रहे हो और या फिर ये है कि आप स्वयं विवेकपूर्वक देखो कि तुम्हें कितना करना है और कितना नहीं करना है इस संदर्भ में थोड़ा सा डायग्रेस होकर के मैं ये बात कह रही हूँ बहुत लोग फॉर एग्जाम्पल आजकल चलन हो गया है कि बर्थडे भी घर में नहीं मनाते हैं बर्थडे भी किसी रेस्टोरेंट में किसी फाइव स्टार में जाके करेंगे थीम पार्टी करेंगे अब जिसके पास पैसा है वो तो चाहे आग लगा दे क्या फर्क पड़ता है लेकिन कभी कभी दूसरों की कॉपी करने के चक्कर में जिसकी जेब में नहीं है और वो ये सब कुछ देखता है तो फिर वही सब चीजें वो भी करना चाहता है फिर चाहे तकलीफ से हो या आसानी से कर पाए जैसे विवाह है अब विवाह दो व्यक्तियों का आपसी मामला है या यूं दो परिवारों का आपसी मामला है जैसे हमारे यहाँ ये बैठी हैं उषा इनकी पुत्री ने जब विवाह करने का निर्णय लिया तो उसने ऐसा लड़का तीस पैंतीस लड़के देखे थे और फिर उसने जिसको चुना उसके सामने एक ही शर्त उसने रखी थी कि हम दिखावे वाली शादी नहीं करेंगे कुल मिला शायद साठ लोग होंगे साठ लोगों के बीच में सुबह में उन्होंने हिंदू रीति से फेरे लिए शाम को उन्होंने एक छोटी सी पार्टी करी आपस में फैमिलीज ने एक दो फ्रेंड दोनों पक्ष के शायद हो तो हो डेट्स इट। बात कर बीस पच्चीस पचास लाख रुपया खाली वेन्यू का पे करते हैं और दिखावे के चक्कर में वो ये दे रहे हैं तो हम ये देंगे वो ये कर रहे हैं तो हम कहीं तो डिमांड्स भी होती हैं पर हम तो मैं तो सीधी सी बात जानती हूँ जहाँ डिमांड शुरू हो जाए वहाँ रिश्ता तो करना भी नहीं चाहिए पर लोग इतने बेवकूफ़ हैं और इतने लालची हैं और इतने ओछे हैं कि उन्हें यही ओछी हरकत है ज़रा सोच के देखो ना कि शादी तुम्हारी हो रही है तो उसके लिए अपना जुलूस निकालने की क्या जरूरत है जुलूसी तो है ना अब बाइक और कार के जमाने में वो घोड़ी पे बैठेगा रिश्तेदार आगे नाचेंगे बंदरों की तरह बैंड बुलाए जाएंगे और वो सब सारी सड़क रुक दी है एम्बुलेंस ने निकलना है कोई बीमार है किसी ने फ्लाइट पकड़नी है किसी ने कुछ जरूरी जाना है और पूरी रास्ता जो है वो ब्लॉक हुआ पड़ा है क्योंकि बाराती नाच रहे है शराबे पी के और फायर कर रहे हैं फायर आर्म्स यूज हो रहे हवा में वो गोलियां चला रहे हैं और इस इस सिचुएशन में कई बार मौतें भी हो जाती है एक्सीडेंटल गोली दूल्हे को ही लग गई दूल्हे के बाप को ही लग गई भाई को ही लग गई दोस्त को ही लग गई और शराब के नशे में गिर पड़ रहे जिसमें चार लड़के दूल्हे को सीधा खड़ा कर रहे हैं ताकि वो वरमाला कर सके ये शादी है कि मजाक तो मेरी समझ में तो बात ये बिल्कुल बैठती नहीं है अगर वैदिक रीति से कोई विवाह करना चाहे तो विवाह सूर्योदय से लेके सूर्यास्त के पहले पहले हो जाना चाहिए ये रात की पार्टी और रात बारात का वो लाइटें वो नाचना वो ड्रामा वो डीजे ये सब जो शराबे जो चल रही है ये कहीं से भी वैदिक रीति से ये उचित नहीं है पर रात्रि का काल राक्षसों का काल बनते तो राक्षसी कर्म करते हुए आप ये उम्मीद करो कि तुम्हारी शादियां अच्छी चल जाए तो रोज पढ़ लो अखबारें कहा लड़की का चक्कर चल रहा है कहीं लड़के का चक्कर चल रहा है मार काट हो रही है तलाके रही है, हो रही है एक दूसरे से अलग हो रहे एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं, परिवार का परिवार सुइसाइड कर लेता है क्योंकि पति या पत्नी में किसी एक का कहीं और पर चक्कर चल रहा है और वो नाराज है और वो गुस्सा है अपने बच्चे अपने नहीं लग रहे कैसे ये माने दुर्दांत कर्म हो गया ना ये हमारे यहाँ कोई भी चीज जो शुभ चीज है वो सूर्योदय के बाद ही होती है। हा ये एक इसमें पॉइंट है कि बहुत लोगों का ये ये जो चलन हुआ ना नॉर्थ इंडिया में जो चलन हुआ और भी कई इलाकों में आ गया वो है जो रात रात को शादी करने का तो ये थोड़ा सा तुमको हमारी हिस्ट्री में पीछे जाना पड़ेगा जहां बाहर से आए हुए ये आक्रांता हमारी बेटियों और बच्चियों को उठा ले जाते थे और उनको दास दासियां बना के गुलामों की तरह गजनी के बज भी गजनी शहर में वो पिलर है जहां पर हिंदुस्तान से लाए गए लड़कियां क्या लड़के भी औरतें भी आदमी भी गुलामों की तरह बेचे जाते थे तो अपनी पुत्रियों की रक्षा करने के हेतु वो रात के अंधेरे में छटपट चुपचाप उसकी शादी कर देते ताकि अब उसका जो दुला है या जो ससुराल वाले हैं वो उसकी रक्षा कर सकेंगे और पता भी नहीं चले चुपचाप में बस साथ फेरे कराए और छुट्टी हो गई कोई हो हल्ला नहीं होता था वो इसलिए क्योंकि वहां वो स्त्री के सम्मान की उसके इज्जत की बात हो जाती थी कि हमारे इस देश में ये जो रानियों ने जौहर किए हैं राजस्थान में क्योंकि ये थी कौन चाहेगा आग में जल मरना अपने सम्मान के लिए कि हम किसी भी धर्मी के हाथ नहीं लगेंगे मरना कबूल किया उन परिस्थितियों में रात्रि का विवाह होने का एक चलन हुआ था लेकिन अभी तो कोई ऐसी स्थिति नहीं है अभी करने की क्या जरूरत है जैसे दिन के 12 बजे को ज्योतिष के अनुसार अभिजीत मुहूर्त कहते हैं माने संपूर्ण रूप से विजयी होने वाला मुहूर्त को कहते अभिजीत मुहूर्त और उसमें कहते किसी से पूछने की जरूरत नहीं कि किस समय शादी करे या नया मकान में प्रवेश है कि नई दुकान का प्रवेश है या कुछ भी नया आपने करना है मतलब तो जो कालचक्र के अनुसार या ज्योतिष के अनुसार भी चलते हैं तो वो गुणी ज्ञानी लोग भी जानते हैं कि 12 बजे दिन के 12 बजे अभिजीत मुहूर्त होता है उस समय कहते जो करो वो शुभ ही है वो अच्छा ही है पांच मिनट पहले पांच मिनट बाद समझ लो कोई कहते दस मिनट पहले दस मिनट बाद तो अब विवाह जैसी चीज जो बहुत इंटीमेट पर्सनल मैटर है उसमें सारे समाज को लाके अपना तमाशा बना करके बैंकों से लोन लेकर के दिखावे वाली शादियां करना है। कहां से अकलमंदी हो सकती है मुझे उस दृष्टि से आर्य समाज का जो विवाह करने का तरीका मुझे तो बहुत पसंद आता है आधे घंटे में शादी करा देते हैं क्योंकि उसमें वो बहुत लंबी चौड़ी पूजा नहीं कराते हैं। उनका तो थोड़ा और सरलीकरण उन्होंने कर दिया किस लिए कि एक अनुसार विवाह करना है तो फिर उसमें धर्म का आधार होना चाहिए कितना दहेज दिया गया कितना लिया गया कितने कपड़े पैसे रिश्तेदारों को दिए गए कितनी गाड़ी स्कूटर बाइक दी गई मैंने ये सब तो क्या मतलब खामखा की बेवकूफ़ वाली जो रीढ़ की हड्डी नहीं रखते हैं वही लड़के दहेज की कामना करते हैं मेरे सुनने में आया कई बार यूं तो आई एस हो गए हैं तो भी दहेज का लेन देन होता है और फिर मैंने ऐसे आई एस भी सुने हैं जो कोर्ट में जाके शादी करा है या वो आर्य समाज के अनुसार शादी कर लिया हिंदू रीति से शादी कर ली लेकिन शादी में सिर्फ परिवार था तो उन्होंने कहा हम अगर शिक्षित लोग हम अगर ये एग्जाम्पल सेट नहीं करेंगे तो, तो दूसरा कोई क्यों करेगा हालांकि ये बात राजनेताओं पर भी लागू होनी चाहिए तो हमारे देश की जनता जिस दिन इन नेताओं से भी सवाल करने लग जाए कि तुमने अपने लड़के की शादी पे जो करोड़ों खर्चे वो कहाँ से आए थे तेरे पास कहीं इनकम टैक्स भी जरूरत करे ना जाके उनसे पूछे कि तुमने इतना खर्चा कहाँ से किया कैसे किया और जिस दिन हमारे देश के राजनेता शादी शादी करने लग जाएंगे अपने बच्चों की उनको देख के पूरा देश कहेगा भाई इन्होंने ऐसी कि हम भी ऐसे ही करेंगे दिखावा नहीं मैं ये नहीं कह रही ढोल लगाड़ा ना बजाओ खूब बजाओ खूब नाचो लेकिन ना तो वो लड़की के पक्ष पे इतना वजन आ जाना चाहिए वो परेशान हो जाए और ना किसी को कष्टो हो और मतलब तो परिवार का मामला है सरलता से, से। शांतिपूर्वक कार्य हो जाए तो ज्यादा अच्छा है बिना दिखावे को हो जाए तो और भी ज्यादा अच्छा ये अब मेरा व्यक्तिगत विचार है बहुतों तो को पसंद नहीं आएगा बहुतों तो को पसंद आएगा बट आई डोंट केयर जो है, है हमने कह दी तुमने पूछी हमने बोल दी बात लेकिन इतनी बुद्धि का इस्तेमाल तो तुमको जरूर करना चाहिए क्या आप आ, इमोशनल ब्लैकमेलिंग का शिकार तो नहीं कहीं हो रहे कर्तव्य पूर्ण करना चाहिए जरूर पति का हो बेटे का हो पिता का हो भाई का हो आ, सब कर्तव्य जरूर पूरे करने चाहिए पर फिर वही बात कर्तव्य पूरी करिए तमन्नाओं को पूरी करने की सोच मत करिए उसको थोड़ा तो कठिन हो जाएगा <laughs> वो तो राजा महाराजा भी कई बार नहीं कर पाते हैं तो आप और हम तो साधारण लोग हैं ना तो इस चक्कर से थोड़ा बचना चाहिए सावधानी रखते हैं तो अच्छा रहता है आपके विचारों से जब दूसरे सहमत नहीं होंगे तो निश्चित बात है वो विरोध करेंगे तो उस विरोध के लिए भी तैयार रहना चाहिए और उसमें भी परेशान नहीं होना चाहिए विरोध क्यों कर रहे हैं करेंगे ही ना आप तो अजीब बात कह रहे हैं वो कहेंगे कि हम मैंने ये करना है ये करना है लंबी लिस्ट है तुम कहो क्या जरूरत पड़ी है तो तो लो झगड़ा शुरू हो ही जाएगा पर यह है कि जो समझदार और बुद्धिमान आदमी है वो विवेक से जीवन को जीता है इसलिए इस बात की परवाह फिर नहीं वो करेगा कि पाखंड के लिए या दिखावे के लिए कोई क्या कह रहा है या कोई क्या कर रहा है वो उसको बिल्कुल इग्नोर करना सीख जाना चाहिए नहीं आता है तो सीखो ज्यादा उत्तम रहेगा ज्यादा बेहतर रहेगा